चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ट्राइक है थ्री टर्मिनल डिवाइस है जो भी एसी पर यूज किया जाता है ट्राइक, वो सिंबल ट्राइक का देख लेना, सिंबल है ट्राइक का। ये MT1, ये MT2 और ये क्या हो गया इसका गेट। ये थ्री टर्मिनल डिवाइस, थ्री टर्मिनल डिवाइस ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है क्योंकि यूज होता है यूज इन एसी, एसी में यूज होता है। और जो चीज एसी में यूज होती है वो कैसी होगी, यूनि डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल। तो बाई डायरेक्शनल डिवाइस, इट इज बाई डायरेक्शनल डिवाइस। कैसी डिवाइस है? बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, ठीक है। ये इसका सिंबल होता है इस प्रकार से। और इसमें ये बना होता है दो एसी आर्स का जो कि कैसे कनेक्टेड रहते हैं, एंटी पैरल। इट इज मेड ऑफ टू एसी आर्स कनेक्टेड इन एंटी पैरल। इट कंसिस्ट ऑफ टू एसी आर्स कनेक्टेड इन एंटी पैरल या रिवर्स पैरल। रिवर्स पैरेलल में या एंटी पैरेलल में दो एसी आर्स कनेक्टेड होती हैं, उनसे बना हुआ होता है। कल पढ़ा था एसी आर, तो एसी आर से ही मतलब बना हुआ था, लेकिन दो एसी आर से बना हुआ होता है। और दो एसी आर्स कैसे लगे हुए, एंटी पैरेलल में भी बना के दिखाऊं। इट कंसिस्ट ऑफ टू एसी आर्स कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल ठीक है। प्रकार से दो ऐसी आर होंगे, देखो ये क्या हुआ, एक ऐसी आर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, दूसरा ऐसी आर हो गया इसका, ये क्या होगा गेट, ये एक ऐसी आर, एक ऐसी आर, इन दोनों के इनको जोड़ देंगे आपको, एनोड और कैथोड को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ से एक टर्मिनल निकालेंगे, यहाँ से एक टर्मिनल निकालेंगे। तो ये वाला टर्मिनल क्या हो गया MT1 और ये वाला टर्मिनल क्या हो गया MT2, ठीक है। और इन दोनों के गेट को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कनेक्टेड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से लाके ये ऊपर से गया और यहाँ से इन दोनों का ये गेट आपस में जोड़ दिया, दोनों SCR का गेट जोड़ दिया। तो ये हो गया ये वाला गेट। तो ये लिखा हुआ यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ टू SCRs कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल। रिवर्स पैरेलल बोल दो या एंटी पैरेलल बोल दो, रिवर्स पैरेलल भी बोलते हैं। तो दो SCR से बना हुआ होता है जो कि दो SCRs कैसे कनेक्टेड होते हैं, एंटी पैरेलल। कल हमने देखा था कि जो SCR था वो एक ही मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल को गेट ट्रिगरिंग देने पे, गेट ट्रिगरिंग देने पे पॉजिटिव हाफ साइकिल को काटता था। ये दोनों को काटेगा, पॉजिटिव को भी काटेगा, नेगेटिव को भी काटेगा। जैसे ऐसे समझो ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, SCR लगा हुआ है और ये यहाँ पे लोड है। ये क्या हो गया, ट्राइक हो गया, ये ट्राइक हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे ट्राइक, ठीक है। ये ट्रैक इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। और ये क्या हो गया तुम्हारा लोड, लोड। और यहां पे हमने क्या एसी सप्लाई दी, एसी सप्लाई दी हमने, एसी सप्लाई, ठीक है। तो यहां पे जो आउटपुट में जो प्राप्त होगी
आउटपुट में देखोगे तो इस तरीके से वेवफॉर्म प्राप्त होगी। देखो यहां पे जो गेट ट्रिगरिंग दोगे, यहां से तुम गेट ट्रिगरिंग देने पे, जैसे यहां पे गेट ट्रिगरिंग कुछ अल्फा टाइम ड्यूरेशन पे गेट ट्रिगरिंग थी, गेट से ट्रिगरिंग दी तुमने, तो यहां पे भी काटेगा ये, इतने पे भी काटेगा, यहां से भी काटेगा, यहां से भी काटेगा, यहां से भी काटेगा, तो इतना मिलेगा आउटपुट में, क्योंकि बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। तो बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, दो एसीआर लगे हुए, एक पॉजिटिव की काटेगा, एक नेगेटिव की काटेगा, एक नेगेटिव की काटेगा, तो दोनों एसीआर इस प्रकार से लगे हुए हैं इसमें। भाई एसीआर कैसी डिवाइस है, यूनिट डायरेक्शनल डिवाइस, तो इसमें दो एसीआर को लगाया गया, तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल जब होगी तो एक एसीआर फॉरवर्ड वाइज होगा, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो एक एसीआर फॉरवर्ड वाइज होगा, इस प्रकार से। इसीलिए दोनों की काटेंगे, ये इसकी काटेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल की, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल को काटेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल की नेगेटिव हाफ साइकिल को काटेगा, तो ट्रेनिंग देने पे, तो यहां से ट्रेनिंग दी है उस हिसाब से काटेंगे, तो इससे क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम होगा, आउटपुट वोल्टेज कम होगा। भाई एक तो हम किससे कर रहे हैं आउटपुट वोल्टेज कम, वेरिएबल रेजिस्टेंस से लगा, लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस में पावर लॉस ज्यादा होते हैं, और पावर लॉस ज्यादा होने के कारण क्या होगा, एफिशिएंसी दक्षता क्या होगी, कम होगी, इसीलिए इसको यूज किया जा रहा है। पहले फैन रेगुलेटर्स में क्या यूज किया जाते थे, फैन रेगुलेटर जो होते थे स्पीड कंट्रोल करने के लिए, वो रियोस्टेट यूज किए जाते थे, वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज किए जाते थे, जिसकी एफिशिएंसी क्या रहती थी, कम, और पावर लॉस अधिक होता था, गर्म हो जाता था, जब फैन को हम कम स्पीड पे चलाते थे तुम, तो क्या हो जाता था, वो गर्म होता था। आजकल क्या यूज कर रहे हैं, ट्राइक बेस्ड फैन रेगुलेटर यूज कर रहे हैं, तो ट्राइक बेस्ड फैन रेगुलेटर यूज करने से क्या होता है, पावर लॉस कम होते हैं, और एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो स्पीड ऑफ द फैन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वोल्टेज, वोल्टेज ज्यादा मिलेगा फैन को तो स्पीड क्या रहेगी, अधिक रहेगी, और वोल्टेज क्या रहेगा, कम रहेगा, तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी। तो यहां से क्या कर लिया हमने, किट से ट्रिगरिंग देके वोल्टेज को क्या कर लिया, कम कर लिया, और ट्रिगरिंग ज्यादा दे दी तो और भी वोल्टेज कम मिलेगा, तो वोल्टेज को कंट्रोल कर लिया, वोल्टेज कम कर लिया तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वोल्टेज ट्रेनिंग दी नहीं, जीरो पे ही ट्रेनिंग कर दिया सेट, तो क्या फुल वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये कहाँ पे यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन फैन रेगुलेटर्स, फैन रेगुलेटर्स लिख लेना, फैन रेगुलेटर्स में यूज किया जाता है, ठीक है, इट इज यूज्ड इन फैन रेगुलेटर्स। थ्री टर्मिनल्स होती हैं इसमें, थ्री टर्मिनल्स के नाम तुम्हें पता ही है कौन कौन से, MT1, MT2 एंड कौन सा हो गया, गेट, ये तीन टर्मिनलों के नाम हो गए इसके, MT1, MT2 और गेट। ये किससे बना हुआ, एसीआर से, एसीआर में कितनी लेयर होती हैं, चार लेयर, PNPN, और कितने जंक्शन होते हैं, तीन जंक्शन, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या, कितनी लेयर होंगी, चार ही लेयर होंगी और तीन ही जंक्शन होंगे, इसमें दो लगे हैं, तो दो लगे हैं, इसमें चार ही लेयर होती हैं, चार लेयर और तीन जंक्शन होते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड एसीआर करंट कंट्रोल, ये भी करंट कंट्रोल ही होगा, ये भी करंट कंट्रोल ही होता है, लिख लेना। और इसमें कितने होंगे लेयर, कितनी होंगी, चार, PNPN और जंक्शन तीन होंगे, वो ये उसी की तरह, क्योंकि एसीआर मतलब बना के से ट्राई, एसीआर से बना होगा, दो इसमें एसीआर लगे हैं तो संख्या नहीं, लिया की नहीं बढ़ती, हाँ।
छाली होती है, देख आइए जिसमें होती है छाली, यस की संख्या कैसे बढ़ जाएगी ऊपर, वो टर्मिनल्स उसके देखो ना, टर्मिनल्स कनेक्टेड है, टर्मिनल्स कनेक्टेड है इस प्रकार से, कितना लिख रहे हो तुम, और ये फैन रेगुलेटर में यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे यूज किया जाता है, ट्रैक फैन रेगुलेटर में। और इस तरीके से यूज हो रहा है, ये इनपुट दे रहे हैं, इनपुट कैसा है एसी है, और आउटपुट में ये क्या कंट्रोल कर पा रहे हैं इसके वोल्टेज को, और वोल्टेज को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो ये वोल्टेज कम और ज़्यादा हम इस प्रकार से ले सकते हैं। चार ही लेयर होती है, पांच लेयर का कन्फ्यूजन आ रहा था, तो पांच लेयर होती है, लेकिन देगा तो चार ही लेयर होती है, पी एन पी एन और जंक्शन फिर कितने हो जाएंगे तीन। और एस सी आर करेंट कंट्रोल्ड है भाई, बना किसे एस सी आर से, तो ये भी करंट कंट्रोल ही होता है। और ये ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चन, ये कैसे डिवाइस है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, कितने टर्मिनल होती है उसमें, एम टी वन एम टी टू और गेट, और थ्री टर्मिनल डिवाइस है जो कि यूज होती है, कहाँ पर यूज होगा, फैन रेगुलेटर्स में यूज होता है। और ये इसका ये आया था क्वेश्चन कि किससे बना होता है, दो एस सी आर से बना होता है जो कि रिवर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल में लगे रहते हैं, ये दिखाई दे रहा है इसका संबंध है इसके बारे में। ये जो गेट है ऐसे एक साथ ही आप इसी से किया गेट, इसी से ट्रेनिंग होती है, एक चीज और बना लो, इसका बनाओ तो इसका जो करेक्टरिस्टिक डायग्राम है इस तरीके से बनेगा। देखो तुम जानते हो एसीआर से कैसा बनना था, इस प्रकार से बनना था, ऐसे करके ब्रेक ओवर वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज लगाते थे तो क्या होता था कंडक्शन। अब रिवर्स वाइज में तुम उसमें क्या होता था, यहां से ब्रेक डाउन होता था, लेकिन यहाँ पे रिवर्स वाइज के लिए एक और लगाऊंगा ये वाला, तो भाई इससे फॉरवर्ड वाइज में इस तरीके से आ रही होगी, तो रिवर्स वाइज में भी ऐसे ही आएगी, वो किससे आएगी, दूसरे एससीआर से, तो दूसरे एससीआर से आएगी वो इस तरीके से, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ता जाएगा और इस प्रकार से फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ये ब्रेक ओवर वोल्टेज रिवर्स वाइज में, यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस होगी। बाई डायरेक्शनल जो डिवाइस होती हैं उनकी जो करेक्टरिस्टिक होती है कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी रहती है, सिमिलर रहती है। और ये सिमिलर किसकी वजह से है, सिमिलर किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द दूसरे एसीआर से, अगर दूसरा एसीआर नहीं होता तो वही क्या होता, वोल्टेज बढ़ने पर क्या होता, ब्रेक डाउन होता, तो इस तरीके से इसकी करेक्टरिस्टिक होती है। ये कौन सा वोल्टेज है, हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं करंट फ्लो नहीं करता ट्रैक से, लेकिन एक समय आया ब्रेक ओवर वोल्टेज से भी ज्यादा वोल्टेज तुमने लगा दिया तो फिर क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ऐसी ये वोल्टेज जैसे यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस लगाया, लेकिन इससे वोल्टेज बढ़ने गया क्योंकि गेट ट्रेनिंग नहीं दी है, जैसे हमने क्या गेट ट्रेनिंग दे दी तो कम, यहीं पे गेट ट्रेनिंग दे दी तो कम वोल्टेज पे, इसके अक्रॉस कम वोल्टेज पे करंट फ्लो होने लगेगा यहीं से, ठीक है, लेकिन गेट ट्रेनिंग दी नहीं है तो वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, एक समय आएगा ब्रेक ओवर होगा, एक जंक्शन J2 क्या होता था, रिवर्स बायस होता था, उसका ब्रेक ओवर होगा, ब्रेक ओवर होती है क्या होगा, इससे करंट फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। और ऐसे रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे होगा, नेगेटिव यहाँ पे होगा, तो तुम वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, गेट ट्रेनिंग नहीं दी है तो क्या होगा,
रिवर्स वाइज जो जंक्शन है J2 उसका क्या होगा, ब्रेक ओवर होगा, और ब्रेक ओवर होते ही क्या होगा, ब्रेक ओवर होते ही क्या होगा, इस वाले SER से करंट फ्लो होने लगेगा। तो दो दो डायरेक्शनल डिवाइस, टू डायरेक्शनल डिवाइस होगा कि नहीं होगी, बाई डायरेक्शनल, ऐसे करंट भी फ्लो कर रहा है, ऐसे भी करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन SER में क्या है, एक दिशा में करंट फ्लो करता है। तो SER कैसी डिवाइस है, यूनिडायरेक्शनल, और ट्राइक कैसी डिवाइस है, बाई डायरेक्शनल, दोनों दिशाओं में करंट फ्लो करते हैं, इधर भी करता है और ये इधर भी करता है, और ये इसकी हो गई करेक्टरिस्टिक। तो ये क्या हो गए, वोल्टेज हो गए, और ये क्या हो गया यहाँ पे करंट, तो ये रिवर्स वोल्टेज हो गया, और ये क्या हो गया माइनस, ठीक है। अब लिख लो डाइक, बिल्कुल डाइक इसी जैसा होता है, लेकिन उसमें क्या नहीं होता, गेट नहीं होता। कोई पूछे डाइक क्या होता है, डाइक इज सिमिलर टू ट्राइक विदाउट गेट टर्मिनल, होता है उसमें गेट नहीं होता, इसमें से गेट को हटा देते हैं, और ये क्या बन गया तुम्हारा सिंपल डाइक का हो गया। तो अभी देखते हो, गेट हटा दिया क्या, बनाने में ऐसे सिंबल दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर जो स्ट्रक्चर डायग्राम है वो अलग होता है। ये क्या हो गया, डाइक हो गया भाई, डाइक। ट्रैक का यूज तुमने देख लिया था, फेनेगुलेटर यूज करते हैं, और डाइक टाइम का सिंबल तो ये हो गया, ठीक है। और डाई का जो स्ट्रक्चर डायग्राम होता है वो इस प्रकार से होता है, स्ट्रक्चर डायग्राम इधर से फुल फॉर्म क्या है, डाई की फुल फॉर्म नहीं है, डाई का स्ट्रक्चर डायग्राम देखना है, ताकि जमे नहीं, नशे में रहते ही मार करें। अब डाइक डाइक किस लिए यूज किया जाता है बताओ, डाइक यूज किस लिए किया जाता है, ट्राइक की ट्रिगरिंग के लिए, तो डाइक को यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रिगरिंग ऑफ ट्राइक, तो डाइक इट हैज थ्री लेयर्स, कितनी लेयर्स होती हैं सर, थ्री लेयर्स होती हैं, तो जंक्शन कितने होंगे, टू जंक्शन होते हैं, थ्री लेयर देखो इस प्रकार से होती है, ये पी एन डी पी, ये हो गए पी एन पी, तो ये इसकी क्या हुई लेयर हो गई पी एन पी, और ये क्या हो गए इनके एम टी वन और एम टी टू टर्मिनल कह दो, ये टर्मिनल हो गए इसमें, तो कितने जंक्शन दिखाई दे रहे हैं, J1 और J2, दो ही जंक्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसी डिवाइस है, इट हैज थ्री लेयर्स एंड टू जंक्शन, ठीक है, और ये भी कैसी डिवाइस है, और इसका सिंबल कैसा है, ये सिंबल है इसका, और ये कैसी युक्ति है, ये ऐसी ट्राइक जैसी दिखाई दे रही है पर विदाउट गेट टर्मिनल, ठीक है। इट इज यूज फॉर द फॉर ट्रिगरिंग ऑफ ट्राइक, ट्राइक की ट्रिगरिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग मतलब गेट पल्स देने के लिए, जो गेट पल्स देने के लिए ट्राइक की इसको यूज किया जा रहा है, डाइक इट इज यूज फॉर ट्रिगरिंग ऑफ ट्राइक, ट्राइक की ट्रिगरिंग के लिए इसको यूज किया जा रहा है। तीन लेयर्स हैं, टू जंक्शन है,
एंड इट इज बाई डायरेक्शनल, ये भी बाई डायरेक्शनल होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, एंड इट इज ऑल्सो बाई डायरेक्शनल डिवाइस, इट इज ऑल्सो बाई डायरेक्शनल डिवाइस। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे हम पॉजिटिव वोल्टेज लगाया और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज लगाया, तो पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये जंक्शन कैसा हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज, और ये पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये वाला कैसा हो जाएगा रिवर्स वाइज, तो एक जंक्शन इसमें रिवर्स वाइज हो रहा है और एक जंक्शन कैसे हो रहा है फॉरवर्ड वाइज हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी ये भी मतलब ये डायग भी क्या हुआ करंट फ्लो नहीं करेगा इसमें तुरंत, इसमें भी क्या करना पड़ेगा हमें थोड़ा वोल्टेज ट्रेनिंग इसमें नहीं देनी पड़ेगी, इसमें क्या है ब्रेक ओवर वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज लगाना पड़ेगा तभी क्या होगा करंट फ्लो करेगा। तो ये अपनी ऑफ अवस्था से ऑन अवस्था में आता है, किसी भी पोलैरिटी का अप्लाइड वोल्टेज लगा के आ सकता है ये, ठीक है अभी ऑफ पड़ा हुआ है इससे करंट फ्लो नहीं कर रहा है वाला, तो किसी भी पोलैरिटी का वोल्टेज लगा दो, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वोल्टेज लगाओगे प्लस और यहाँ पे माइनस लगाओगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, तुम यहाँ पे भी प्लस लगा सकते हो और यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो दूसरा जंक्शन क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, ये रिवर्स वाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी ऑफ अवस्था से ऑन अवस्था में आ सकता है किसी भी पोलैरिटी का अप्लाइड वोल्टेज लगा के, किसी भी पोलैरिटी का वोल्टेज आरोपित करके, ठीक है तो लिख लेना इट कैन बी कैसे भी कर लो, इसीलिए ये क्या हो जाता है अपनी ऑफ अवस्था से ऑन अवस्था में हो जाता है किसी भी पोलैरिटी के अप्लाइड वोल्टेज लगा के। इसका करैक्टरिस्टिक डायग्राम देखेंगे तो कैसा बनेगा, देखो करैक्टरिस्टिक डायग्राम इसका देखोगे तो करैक्टरिस्टिक डायग्राम इस प्रकार से बनता है इसका, देखो भाई ये भी बाईडायरेक्शनल डिवाइस है, तो मैंने क्या बोला था बाईडायरेक्शनल डिवाइस जो भी होती है उनकी जो करैक्टरिस्टिक होती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में कैसी रहती है, सेम रहती है, तो इसकी भी सेम ही होगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और ये कैसा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसमें क्या होता है ऐसे करके वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो और वोल्टेज बढ़ाओगे तो इसे करंट फ्लो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा क्योंकि एक जो जंक्शन है ये क्या है रिवर्स वाइज, लेकिन तुमने वोल्टेज ज़्यादा लगा दिया तो क्या हो जाएगा इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और ब्रेकडाउन होते ही करंट फ्लो करने लगेगा, ऐसे यहाँ पे रिवर्स वाइज में वोल्टेज लगाओगे तो वोल्टेज करंट फ्लो नहीं करेगा इसे कुछ ड्यूरेशन तक, जैसे ही मतलब ब्रेक ओवर हो जाएगा रिवर्स वाइज जंक्शन का तो फिर इसे करंट फ्लो होने लगेगा, तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक है, ठीक है देखो किस जैसे दिखाई दे रही है, ट्राई जैसे दिखाई, इसमें क्या है ट्रेनिंग नहीं दे सकते, ट्रिगरिंग नहीं दे सकते, इसमें क्या है जब तक ब्रेक ओवर नहीं हो जाएगा एक रिवर्स वाइज जंक्शन का तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये बीवीओ वोल्टेज हो गया, बीवीओ बीवीओ कौन से जंक्शन का हो रहा है जो एक जंक्शन यहाँ पे क्या है रिवर्स वाइज है, तो ये वोल्टेज हो गया और ये करंट, ये माइनस वोल्टेज, ये माइनस, तो वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट फ्लो होना चाहिए हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा क्योंकि एक जंक्शन क्या है रिवर्स वाइज, रिवर्स है, जैसे क्या होगा उस रिवर्स वाइज जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन होते ही इससे करंट फ्लो होने लगेगा, तो यही इसमें बताया गया कि अपनी ये ऑफ अवस्था से ऑन अवस्था में लाया जा सकता है किसी भी पोलैरिटी का अप्लाइड वोल्टेज लगा के, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये फॉरवर्ड वाइज में काम करेगा या रिवर्स वाइज में काम करेगा, दोनों में काम करेगा, सर्किट डायग्राम ये स्ट्रक्चर डायग्राम हो गया, ये क्या हो गया सिंबल हो गया, अब सर्किट डायग्राम क्या होगा, सर्किट डायग्राम आपने और आगे बनवाया ना जैसे इसका ही बनवा ये जैसे आपने, नहीं 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 ये सर्किट डायग्राम बनवाया ना आपने ये वाला, ऐसे ही लिख दो कोई सर्किट नहीं है इस तरीके से इसको बना लो, ट्रेनिंग दे रहे गेट पे लगा रहे इसको, ट्राई की गेट पे लगाते हैं इसको, जो गेट पल्स पल्स मिलती है वो इसी से मिलती है, ये इलेक्ट्रीशियन की सिलेबस में नहीं है इतना, बस तुम्हारे में थोड़ा बहुत ही आता है कि सिंबल पूछ लेगा या मतलब ये पूछ लेगा, तभी मैंने काफ़ी पढ़ा दिया तुम्हें, इलेक्ट्रीशियन के इतने सिलेबस में नहीं है, ये आईटीआई वाले जो बच्ची है उनके इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में इतना है नहीं, इतने इलेक्ट्रॉनिक में जा रहे हो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, लेकिन तब भी तुम्हें पढ़ाई जा रही है,
इसमें क्या आएगा ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे मालूम है? या तो इसकी ये पूछ लेगा डाइक के कितने टर्मिनल्स होते हैं, यूज्ड पूछ ले, तो कितने टर्मिनल्स होते हैं इसके, इट हैज टू टर्मिनल्स, ये भी तो लिख दो, इट हैज टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स होते हैं, नाम टर्मिनल्स के V1 V2 कह दो या क्या कह दो MT1 MT2, दो ही टर्मिनल्स होते हैं इसके, ठीक है? दो टर्मिनल दिखा देते हैं, इट इज टू टर्मिनल डिवाइस, थ्री लेयर एंड टू जंक्शंस एंड बाई डायरेक्शनल डिवाइस, जो कि यूज होती है किसी भी पोलैरिटी का अप्लाइड वोल्टेज लगा के अपनी ऑफ अवस्था से ऑन अवस्था में लाई जा सकती है, ये इसकी क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक, कितना मान लिया जाता है, यूज लिख लो ट्रेनिंग ऑफ प्राइस और उसमें और यूज होता है ये डिपर, डिपर होते नहीं है वहाँ पे भी यूज किया जाता है डिपर, लैम्प डिमर, लैम्प डिपर जो होते हैं गाड़ियों में, हाँ जैसे एकदम से डिपर मारते नहीं है तो वहाँ पे यूज करते हैं लैम्प डिमर, दूर लाइट एक तो पास लाइट दूर, हाँ तेज कर देते हैं उसको, तो वहाँ पे भी यूज किया जाता है। मेन तो यही है ट्राइक के ट्रेनिंग के लिए गेट लगाया जाता है, ट्राइक है और इसके टर्मिनल वगैरह गियर वगैरह यही है, लैम्प डिबर में हीट कंट्रोल में यूज कर लेते हैं उसको, लैम्प डिबर में और वहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब यूनिटी रहेगी लास्ट, यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी ही बनना है, यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी बनना है, यूजेटी पढ़ी थी ना, तो हेडिंग डाल लो यूजेटी, यूजेटी का फुलफॉर्म क्या होता है, यूनि जंक्शन जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर अलग दो लेयर होती है, ये जंक्शन होता है, ये जो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है ये किसकी ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है, ये यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है ये SCR की ट्रेनिंग के लिए यूज करती है हम, SCR की ट्रेनिंग के लिए भाई, हमने किसकी ट्रेनिंग देगी, ट्राई की ट्रेनिंग देगी, अब SCR की भी तो ट्रेनिंग हो रही होगी किसी को यूज करके, तो SCR की ट्रेनिंग के लिए हम यूज करते हैं यूजेटी को, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इसके थ्री टर्मिनल्स होते हैं, उन टर्मिनल्स के नाम बताओ, वेज नेमली कौन कौन से हो गए, एमिटर एमिटर B1 बेस 1 और बेस 2, तो B1 और B2 कह देते हैं इनको, ठीक है, एमिटर बेस 1 और बेस 2, तो बेस क्या लिखा है, नेमली नेम है इनके, एमिटर बेस बेस 2, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि यूजेटी के कितने टर्मिनल होते हैं, थ्री टर्मिनल, एमिटर बेस 1 और बेस 2, ठीक है। यूनि जंक्शन देखो नाम से ही पता चल रहा है, यूनि जंक्शन तो कितने जंक्शन होंगे इसके, एक ही जंक्शन होगा, इट हैज वन जंक्शन, इट हैज वन जंक्शन, एक ही जंक्शन होता है इसका, ठीक है, इट हैज वन जंक्शन, इसको बनाते कैसे, देखो इस तरीके से बना देते हैं,
तो ये क्या हो गया एमिटर, ये क्या हो गया तुम्हारा बेस, बेस तुम्हारा ये हो गया V1 और V2 कह दो इसको, तो इसमें ये V2 मान लो इसको और ये क्या मान लो V1 मान लो, ये V1 और V2 इस प्रकार से होती है इसके, ठीक है, ऊपर वाला V2 और नीचे वाला V1, तो ये एमिटर है, ये E मतलब एमिटर, ये तो इसका क्या हो गया सिंबल, ये सिंबल है, इसमें जो एमिटर होता है ये वाला ये एमिटर है, ये हैविली डोप्ड होता है, ये लिख लेना इन यूजली एमिटर इज हैविली डोप्ड, एमिटर इज हैविली डोप्ड, हैविली डोप्ड, हैविली डोप्ड होता है इसमें एमिटर, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज डबल बेस डायोड, कितने बेस डायोड है ये डबल बेस, बेस वन और बेस टू, इसलिए इसको डबल बेस डायोड भी कह देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, नोन एज डबल बेस्ड डायोड, ये डबल बेस्ड डायोड भी कह देते हैं इसको, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर डायग्राम देते हैं, स्ट्रक्चर डायग्राम कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर डायग्राम ये P हो गया, ये क्या हो गया इसका V2 और ये क्या हो गया V1 और ये क्या हो गया एमिटर, और ये कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया N टाइप का, तो देखो कितने लेयर्स हैं इसमें, दो ही लेयर्स हैं N और P, दो ही लेयर्स हैं, लेकिन जंक्शन कितना दिखाई दे रहा है दो लेयर्स के बीच में, एक जंक्शन दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है, तो वन जंक्शन है और लेयर्स इतनी होंगी टू लेयर्स, दो लेयर्स है, और इसमें ये जो एमिटर है, ये एमिटर ये कैसा रहता है एमिटर डो, ये इसका स्ट्रक्चर डायग्राम है, इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, लिख लो ना, एक टनल डायोड हुआ और एक ये हुआ, इनके दोनों के कैसे रीजन रहते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, और नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जिनके रहते हैं उनको याद रखना हमेशा, वो कहां पे यूज किए जाते हैं ऑसिलेटर्स बनाने में, तो इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, ये भी कहां किस लिए यूज किया जाता है ऑसिलेटर, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बनाया जाता है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बनाया जाता है, और उसका कैसा रीजन होता है टनल डायोड का, टनल डायोड का भी नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, वो भी ऑसिलेटर बनाने में यूज किया जाता है, तो याद रखना जिनके नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होते हैं वो कहां पे यूज किए जाते हैं ऑसिलेटर बनाने में, तो इसका भी नेगेटिव, इट हैज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक से पता चलेगी कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार एग्जाम में कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन किस किस के बीच में होता है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन शिखर और घाटी के बीच में होता है, पीक और वैली, शिखर और घाटी, तो अभी पीक, इट हैज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर होता है, इसका कैसा रीजन होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है, तो नेगेटिव जो रेजिस्टेंस रीजन होता है वो किस किस के बीच में होता है शिखर और घाटी का, देखो इसकी करेक्टरिस्टिक बनाओगे तब तुम्हें पता चलेगा, तो ये इस तरीके से ये क्या होगा इसमें शिखर और ये क्या होगा इसमें घाटी होगा, तो ये वाला जो रीजन है ये वाला जो रीजन है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है, ये जो रीजन है ये वाला भाई, ये
यहाँ पे कम होने लग गया, ये हो गई शिखर पीक और ये क्या हो गई वैली, और ये जो शिखर और घाटी के बीच में जो आ रहा है ये क्या नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, रेजिस्टेंस रीजन बिल्कुल कई बार आ चुका है कि इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन किस किस के बीच में होता है, शिखर और घाटी के बीच में होता है। तो सर पॉजिटिव हो रहा है, देखो ये हो रहा है, यही वाला यूज किया जाता है इस वाले को, यूज करता है ठीक है। तो ये क्या हो गया, एमिटर करंट हो गया यहाँ पे, और ये एमिटर टू द बेस वन वोल्टेज होगा, एमिटर टू द बी वन वोल्टेज, यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये कौन सा, एमिटर टू द बी वन वोल्टेज होगा ठीक है। इसका तुम डायग्राम बनाओगे तब तुम्हें पता चलेगी, देखो होता क्या है इसमें, इस प्रकार से होता है, ये तो डायोड हो गया एक पी एन जंक्शन डायोड हो गया, और दो रेजिस्टेंस हो गए इसमें, एक ये रेजिस्टेंस हो गई, एक ये रेजिस्टेंस हो गई, ये वाली जो रेजिस्टेंस होती है ये वेरिएबल होती है, और ये यहाँ पे इस प्रकार से ये यहाँ पे वोल्टेज हो गया ठीक है, और ये वाली रेजिस्टेंस हो गई ये कौन सी हो गई आर बी टू, और ये वाली जो रेजिस्टेंस हो गई ये कौन सी हो गई आर बी वन, और ये वेरिएबल होती है, वेरिएबल हो गई थी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये कौन सा वोल्टेज लगा रहे हो तुम, यहाँ पे एमिटर वोल्टेज लगा रहे हो, तो एमिटर वोल्टेज जब तक यहाँ के वोल्टेज से ये वोल्टेज ज्यादा नहीं होगा तब तक ये कैसा बना रहेगा, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस रहेगा कि नहीं रहेगा, और रिवर्स बायस में ये जो डायोड है ये इक्विवेलेंट डायग्राम है इसका, इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम कहते हैं इसको, जब तक ये डायोड से करंट फ्लो नहीं करेगा, डायोड से करंट कब फ्लो करता है बताओ, डायोड से करंट तभी फ्लो करता है जब डायोड कैसा होता है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस का मतलब ये है कि ये हाई पोटेंशियल हो ये लो पोटेंशियल हो, जब ये हाई पोटेंशियल होगा इससे तभी करंट फ्लो करेगा, जब इस वाले वोल्टेज से ये वाला वोल्टेज अधिक होगा तभी क्या करेगा करंट फ्लो करेगा, एज लॉन्ग एज यहाँ पे वोल्टेज जो है ये वाला, यहाँ पे ये जो वोल्टेज है एमिटर वाला जो वोल्टेज है ये क्या है कम है, इससे कम है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, जैसे ये वाला जो वोल्टेज है ये देखो ये वोल्टेज लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पे, ये एमिटर टू द बी वन वोल्टेज है, ये कौन सा हो गया यहाँ पे बी वन, और ये कौन सा हो गया यहाँ पे एमिटर, यहाँ पे एमिटर लिखो है, तो ये एमिटर टू द बी वन वोल्टेज है यहाँ पे, तो ये एमिटर टू द बी वन जो वोल्टेज है जब तक इस पॉइंट से कम रहेगा तब तक ये कैसा रहेगा रिवर्स वाला, करंट फ्लो नहीं करेगा, जैसे ये दोनों बराबर हो जाएंगे या इससे ये पॉइंट अधिक हो जाएगा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होगा ये यहां पे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आ जाएगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, क्यों, क्योंकि पहले ये वाली रेजिस्टेंस क्या होगी ज्यादा होगी, अब तुम कह रहे हो ये वेरिएबल क्यों बना दिया, वेरिएबल इसीलिए क्योंकि ये रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो रही है, कम ज्यादा इसीलिए हो रही है क्योंकि भाई फॉरवर्ड